गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 5.1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में स्टडी करेंगे। 3 का फर्स्ट इस प्रकार से है, मैट्रिक्स ए 1, 2, 5, 1 माइनस 1 माइनस 1 2, 3 माइनस 1। इसका अपन को व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स निकालनी है। तो व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए इनवर्स बराबर 1 अपॉन साइनिक ए और एडजॉइंट ए उपसारणिक। अब पहले अपन साइनिक ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। साइनिक ए की वैल्यू निकालते हैं, ये साइनिक इस प्रकार से है, इसका 1 के सापेक्ष निकालेंगे तो पहली पंक्ति और पहला स्तंभ का अवयव कट जाएगा, माइनस 1 और माइनस 1 गुणा करेंगे प्लस का 1, माइनस 3 तो माइनस फॉर्मूले का तो प्लस का 3 हो जाएगा माइनस 2। दूसरा स्तंभ और पहली पंक्ति का अवयव के सापेक्ष करेंगे तो ये कट जाएगा, 1 को 2, 1 से माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 2 तो प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस 5 के सापेक्ष करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और माइनस 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस का 2 तो यह आ जाएगा 1, 4 माइनस 2, 1 प्लस 5 और 5, 4 माइनस 2 प्लस 25। तो इसको सॉल्व करेंगे 29 में से 2 निकालेंगे तो 27। तो ए सारणिक जो है उसका मान क्या हो जाएगा, 27। अब अपन को एडजॉइंट ए निकालना है, तो प्रत्येक अवयव जो है उसका सहखंड निकाल करके उसकी जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, वो अपना क्या होगा, एडजॉइंट ए होगा। अब प्रत्येक अवयव का अपन सहखंड निकाल लेते हैं। F11 क्या निकाल रहे हैं, F11 तो यहाँ पर फॉर्मूले में क्या था, माइनस 1 आई प्लस जे होता है, 1 प्लस 1 पहला अवयव उसके सापेक्ष निकालेंगे तो 1 प्लस 3 हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 1 की पावर 2, 1 हो जाएगा ये 4। इसी टाइप में F12 निकालेंगे, माइनस 1 और आई प्लस जे 1 प्लस 2 हो जाएगा। अब इस अवयव के सापेक्ष जो सारणिक बनेगी उसका मान निकाल रहे हैं तो माइनस 1 आएगा और प्लस का 2 तो ये हो जाएगा माइनस का 3 पावर में माइनस 1 हो जाएगा ये माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस का 1 तो ये आ जाएगा माइनस का 1। अब F13 निकालते हैं, F13 माइनस 1 आई प्लस जे से क्या हो जाएगा, 1 प्लस 3 और इसके सापेक्ष अपन अवयव की जो सारणिक बनेगी उसका मान निकालेंगे तो 3 प्लस 2 हो जाएगा। सारणिक का मान निकालना आपको आता है, ये 4 हो जाएगा पावर तो 1 हो जाएगा ये 5। F21 निकालते हैं, माइनस 1 2 प्लस 1 इसके सापेक्ष निकालेंगे सारणिक जो आएगी उसका मान तो माइनस का 15 हो जाएगा और माइनस का 2, इसकी पावर 3 है तो उसका मान क्या होगा, माइनस का 1 और इसको सरल करेंगे तो माइनस का 17 तो ये हो जाएगा 17 प्लस का हो जाएगा। इसी प्रकार से F22 निकालते हैं, माइनस 1 2 प्लस 2 इसके सापेक्ष अपन सारणिक बनेगी उसका मान निकाल दें तो 3 माइनस 4 तो इसकी पावर 4 होने से 1 हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा माइनस का 1। इसका माइनस 1 सॉरी यहाँ पर देखिए माइनस 1 और माइनस 10 यहाँ पर क्या होगा, माइनस का 10 होगा। सारणिक से मान निकालेंगे, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 11 हो जाएगा, माइनस का 11। अब F23 निकालते हैं, F23 माइनस 1 2 प्लस 3 इसके सापेक्ष निकालेंगे तो 3 माइनस 4 दिया जाएगा, यहाँ पे क्या होगा 5 होगा, 5 होने पर माइनस 1 हो जाएगा इसका मान और इसका मान माइनस 1 बचेगा तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। अब अपन निकालते हैं F31 माइनस 1 3 प्लस 1 इसके सापेक्ष सारणिक का मान निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 2 प्लस 5 ये पावर 4 होने से 1 हो जाएगा और यहाँ पर कितना बचेगा 3। F32 माइनस 1 3 प्लस 2 इसके सापेक्ष निकाल रहे हैं, माइनस 1 माइनस 5 तो माइनस का 6 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस 1 इसका मान माइनस का 6 तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 6। F33 माइनस 1 3 प्लस 3
और इसके सापेक्ष मान निकालेंगे सारणी का, माइनस वन माइनस टू, तो ये हो जाएगा 6 होने पर ये 1 हो जाएगा, और माइनस का 3 तो माइनस का 3 हो जाएगा। तो जो मैट्रिक्स बनी है उसका एड जॉइंट निकालेंगे, तो एड जॉइंट क्या हो जाएगा, देखिए एड जॉइंट ए जो अपने पास मैट्रिक्स बन रही है उसका अपन क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे, तो वो एड जॉइंट ए निकलेगा। जो मैट्रिक्स बन रही है उसका ट्रांस, पहले मैट्रिक्स निकाल लेते हैं क्या है, 4 माइनस 1 5 17 माइनस 11 1 3 6 माइनस 3। अब इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं तो वो अपने पास में एड जॉइंट ए हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 4 माइनस 1 5 17 माइनस 11 और 1, ये हो जाएगा 3 6 माइनस 3, ये एड जॉइंट ए हो जाएगा। अब ए इनवर्स इक्वल्स टू क्या है, 1 अपॉन साइनिक ए और एड जॉइंट ए, अब इसका मान रख लेते हैं तो 1 अपॉन 27, और ये अपने पास मैट्रिक्स है इसका मान रख रहे हैं एड जॉइंट ए का मान 4 माइनस 1 5 17 माइनस 11 1 3 6 माइनस 3, तो ये अपने पास में ए इनवर्स का मान आया, जो मैट्रिक्स दे रही है उसकी व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स प्राप्त हो गई है। तो इस प्रकार से आपको फॉर्मूला भी ध्यान रखना है और फॉर्मूले के अनुसार इसके मान निकालना भी आपको आना चाहिए। सारणी का मान आसानी से निकाल लोगे, लेकिन एडजॉइंट जो मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट निकालने में आपको सावधानी रखनी है। सबसे पहले जो सभी अवयव है उनका सहगुण निकालना है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और सहगुण निकालने के बाद में जो मैट्रिक्स प्राप्त होगी उसका अपन को ट्रांसपोज निकालना है, वो एडजॉइंट ए आ जाएगा। फिर वापस जो फॉर्मूला है उसके अंदर वैल्यू रखेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब इसके जो दोनों क्वेश्चन हैं बिल्कुल सेम इसी पैटर्न से हैं, वो आपको क्लास वर्क के अंदर करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपने पास में 4th वाला क्वेश्चन, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर डाल रहा हूँ, देखिए आप।